एक तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि जो आने वाला 10th मई है, वेडनेसडे 2023, कर्नाटक स्टेट में इलेक्शन होने वाला है और जिसका रिजल्ट 13th मई सैटरडे 2023 डिक्लेयर हो जाएगा कि उस स्टेट में किसकी सरकार बनती है। मगर आदो तो शुमार जो बता रहे हैं, जैसा कि लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था 2018 में, उसमें कांग्रेस को 38% वोट मिले थे, लेकिन हाल फिलहाल में जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वगैरह ने जो मेहनत की है कर्नाटक स्टेट में, तो ये रुझान आया है कि इस बार 2.2% वोट बैंक बढ़ेगा। यानी कि लास्ट टाइम जो 38% था, अब 14.2% हो जाएगा। और लास्ट टाइम बीजेपी ने ये स्टेट में 110 सीट जीती थी, मगर अब वो सीमित के 73-85 सीट पे हो जाएंगी। कांग्रेस का ये आदमशुमार बता रहा है कि 113 से लेके 122 तक सीट कांग्रेस जीतेंगी। 224 की जो असेंबली है कर्नाटक स्टेट में, तो मेजोरिटी के लिए 113 सीट चाहिए जीतना, और यहाँ पे कांग्रेस तो 113 से 122 के बीच में जीतने का अनुमान है। तो हो सकता है कि जो रिजल्ट है 13 मई के, वो कांग्रेस के फेवर में है। तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने डिक्लेयर किए, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किए कि हम 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी स्टेट के, कर्नाटक स्टेट के हर घर में फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार पड़ रही है वो मंथली लाइट बिल पे पड़ रही है, और सिटीजन, हर स्टेट के सिटीजन हिंदुस्तान के परेशान है। तो यहाँ पे जैसा केजरीवाल ने अपने स्टेट में फ्री इलेक्ट्रिसिटी का जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिए थे और दिए भी सिटीजन को, तो उसी तरीके से अगर कांग्रेस जीत जाती है कर्नाटक इलेक्शन, तो वहां के रहने वालों को 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मंथली फ्री में मिलेंगी। अब उसके ऊपर जो यूनिट होगा उसका पैसा अदा करना पड़ेगा। सेकेंड, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बताई है कि वो जो लेडी, वहां के लेडी रहने वाले लेडीज लोग हैं, उनको बस का किराया फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा कदम कांग्रेस ने उठाई है। और जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट है, ये डिप्लोमा होल्डर है, उनको भी मंथली मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इन बच्चों को, इन बेरोजगार बच्चों को इतना पैसा तो मिलेगा कि वो सवारी करके जॉब के लिए यहां वहां जा सके, या वो ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी एप्लीकेशन जमा कर सके जॉब पाने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। और 10 किलो अनाज, चावल वगैरह लो इनकम की जो फैमिली है उनको दिया जाएगा। ये भी बहुत ही सराहनीय कदम है कांग्रेस का। और 2,000 रुपया मंथली अलाउंस दिया जाएगा उस लेडीज को जो अपने घर को लीड कर रही है, शायद उनके शौहर इंतकाल कर गए, जो भी वजह हो। तो ये भी बहुत ही अच्छा कदम है। सबसे बड़ा कदम जो कांग्रेस ने उठाई है वो ये है कि वो स्टेट में बजरंग दल को बैन करेंगी। जो बजरंग दल की धांधलियां है धर्म के नाम पे, वो स्टेट में बैन करेंगे। तो उसके खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी भी अपना रोड शो कर रहे हैं, वो भी ना जाने क्या क्या बयान दे रहे हैं। और यहाँ पे कांग्रेस ने बोली कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उस वर्ड्स को ही चेंज कर दिया, उस स्टेटमेंट को ही चेंज कर दिया। और सिटीजन ऑफ कर्नाटका उनसे कह रहे कि देखिए, कांग्रेस जो है बजरंग बली को कैद करने के लिए कह रही है, जो कि कतई कांग्रेस का इरादा नहीं था। कांग्रेस कह रही थी कि ये जो बजरंग दल है, जिसकी वजह से अक्सर ना इत्तेफाकियां होती है, ना जाने क्या क्या स्टेट्स में गड़बड़ियां होती है, तो उसको हम बैन करेंगे। जैसा कि बहुत सारी अदर एजेंसी को भी पहले पहल स्टेट के कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में बैन किया गया, तो उस तरीके से कर्नाटका में भी बजरंग दल को बैन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पलड़ा और जो सर्वे, जो न्यूज़पेपर के सर्वे आ रहे, जो नेशनल चैनल के सर्वे आ रहे, उसमें तो आज तक कांग्रेस को ही टॉप गेम में बताया गया है, कांग्रेस की ज्यादा सीट आएंगे बताया गया है। जबकि गोदी मीडिया जो पीएम नरेंद्र मोदी के इशारों पे नाचता है, उसके एंकर भी ये कह रहे हैं कि कर्नाटका तो अब बीजेपी से गया, जो कि उसका था ही नहीं। 2018 के इलेक्शन में भी कांग्रेस ही जीती थी, लेकिन जब इन्होंने ईडी और सीबीआई का खतरा दिखा के वहां के पॉलिटिशियन को, वहां के एमएलए को तोड़े, या के पैसे के बल पे तोड़े और अपने साथ मिलाए, और बाद में उन्होंने अपनी हुकूमत बनाए, लेकिन कितना भी उलट पलट कर लो, लेकिन इस वक्त
कर्नाटक में जो जलवा दिख रहा है वो है राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, उनके नेशनल प्रेसिडेंट का, सोनिया गांधी का। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कर्नाटक का जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी की यकीनन हार होगी।